सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बाय टेक। और जैसे कि आपको पता है, आजकल हमारे चैनल पे बहुत ज्यादा अनबॉक्सिंग हो रही है, तो इसी चीज को आगे फॉलोअप करते हुए आज हम लेके आए आपके लिए वन प्लस के वायरलेस बुलेट जी, और वो भी बेस एडिशन। तो आज हम इसके अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, और हो सकता है आप में से किसी एक लकी विनर को ये हम गिव अवे भी कर दे। और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ये वीडियो को पूरी देखना, ताकि आपके चांस बढ़ जाए। और साथ ही साथ हमने कहीं पर भी बीच में बता दिया होगा इसकी कंडीशंस के बारे में, और अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरी देखना। तो चलो अब सीधे अनबॉक्स करते हैं। तो चलो अनबॉक्स करते हैं अपने OnePlus Bullets Wireless Z को। और ये जो हमारे पास जो मॉडल है वो एक्स्ट्रा बेस वाला, यानी बेस एडिशन है। तो अगर आपको इसके कुछ फीचर गिना दे जो इसमें पहले से बॉक्स के ऊपर मेंशन है, तो जैसे कि आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है यहाँ पर बेस बूस्ट, यानी जो इसका बेस है वो बूस्ट किया गया है। और अगर चार्जिंग टाइम की बात करें, जैसे आपको OnePlus के लगभग सभी एसेसरीज के साथ देखने को मिल जाता है, 10 मिनट के अंदर 10 घंटे का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा। और टोटली आपको अगर आप इसे फुल चार्ज करते हो, जो कि अराउंड 1 घंटे 10 मिनट या 1 घंटे 15 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा, ये आपको देखने को मिलता है 17 घंटे का टोटल बैटरी बैकअप, जो कि बहुत सही है। यानी आराम से 2 दिन लास्ट कर जाएगा आपके, जहाँ तक मुझे लगता है। और क्लियर एंड स्टेबल कॉल्स। फिर बात करें तो यहाँ पर ये वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस भी है, और मैग्नेटिक कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। तो अब देखते हैं बॉक्स के अंदर का कंटेंट आपको कैसा देखने को मिलता है। तो चलो बॉक्स को पलटा जाए और बॉक्स को ओपन किया जाए। यहाँ से नीचे स्लाइड किया तो ये हो गया हमारा बॉक्स, साइड में रखा इसे। और अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो भाई एक नंबर की पैकेजिंग है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है साउंड यू कैन फील। तो यहाँ पर जो ये आपके मैग्नेटिक कंट्रोल्स हैं, इसे ऊपर उठाते हैं, ये यहाँ पर आपको आपके वायरलेस बर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, बुलेट्स कह लो। और फिर ये जो एक्स्ट्रा एयर टिप्स आपको देखने को मिलती है, 2 पेयर देखने को मिल जाते हैं, एक स्मॉल हो गया और दूसरा लार्ज, और मीडियम शायद पहले से इसके अंदर फिट होगा। और ये भी रख देते हैं साइड में। फिर यहाँ पर देखते हैं ये क्या है भाई, इसके अंदर है चार्ज फॉर 10 मिनट्स, इंजॉय फॉर 10 आवर्स। ओके, इसे ओपन करते हैं। इसके अंदर चार्जिंग केबल वगैरह होगी हमारे पास, तो ये होगी हमारी चार्जिंग केबल। और ये जो चार्जिंग केबल है ये टाइप सी की है, और स्टैंडर्ड जो OnePlus का है वाइट एंड रेड, जो कि चलता ही आ रहा है OnePlus का शुरू से, और जो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो गया, और बाकी तो मेरे ख्याल से बस अब पर्चे रह गए इसमें निकालने के लिए। हाँ वही था, ये एक छोटी सी किताब, छोटी सी मतलब छोटी पर लंबी, तो ये किताब है पूरी, जहाँ पर ये कैसे काम कर रहा है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मेंशन है, इसे साइड में रखते हैं। और ये कार्ड किस चीज़ का है यार, अच्छा रेड केबल क्लब, ओ माय गॉड, तो साइड में रखते हैं फिलहाल इसे। जो अपना मेन आइटम है इसकी बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ से इसे रिमूव करें, तो ये आ गए हमारे पास हमारे OnePlus के बुलेट वायरलेस। तो अगर मैं इसकी जो सबसे पहले आप देखने के बाद जहाँ पर आप अगर आप इसे पकड़ते हो, तो सबसे पहला ध्यान आपका जाता है बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। तो अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, तो देखो जो इसका नेक बैंड है ये पूरा फ्लेक्सिबल है, आप इसे घुमा लो मोड़ लो जो भी करना है। और अगर वायर की बात करें, वायर भी जो है इसकी इनफ थिक है, और वायर ख़राब नहीं होगी अगर आप सही से रखते हो, अनटिल और अनलेस कोई आप ज़्यादा इसमें खींचतानी नहीं करते, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और OnePlus यहाँ पर अपनी 1 साल की वारंटी भी प्रोवाइड कराता है इसके साथ। और इसमें आपको टाइप सी चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और जो ये हमारा था, हाँ जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये टाइप सी है केबल है, और तो टाइप सी चार्जिंग भी होगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन के लिए देखने को मिल जाता है, एक बीच में प्ले और पॉज के लिए, कॉल पिक करने के लिए। एक LED नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है जब आप चार्ज कर रहे हो, या फिर अगर आप किसी के साथ पेयर है। और एक और चीज़ जो अच्छी चीज़ जो मेरे को यहाँ पर लगी, कि जैसे अब आपने इसे बंद कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही आपने इसे ओपन कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, और जिस भी डिवाइस के साथ आपने इसे पेयर कर रखा है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गए इसके फीचर और बिल्ड क्वालिटी की बात। अगर हम बात करें अब इसके साउंड की, तो वो तो आपको अब सीधे सामने लाते हैं कैमरा, और फिर आपको इसकी साउंड क्वालिटी बताते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। तो लेफ्ट राइट वाला देख लेते हैं, आई थिंक सही डाला है मैंने, हाँ ये लेफ्ट है ये राइट है। तो और फिट का भी पता चल जाएगा यहाँ से। तो जैसे अगर ये हमने कान में डाल दिए तो फिट देखो बिल्कुल ठीक है, फिट में कोई भी दिक्कत नहीं, कान से बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। आप इसे कितना भी हिलाओ, आप वगैरह जिम वगैरह रनिंग के टाइम भी आप इसे आराम से यूज़ कर पाओगे। तो अब इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं एक बार अपने फ़ोन के, ऑन किया कनेक्ट हो चुका है। और फिर मैंने पेयर पहले से ही करके रखा था, बस जस्ट ओपन करते ही जैसे हमने इसे ओपन किया कनेक्ट हो गया। जैसे मैं आपको एक चीज़ दोबारा बताता हूँ, जैसे अगर अभी मैंने इसे ऐसे मैग्नेट्स को दोनों के साथ अटैच कर दिया तो क्या होगा, अब ये बंद हो चुके हैं। जैसे ही मैं इसे ओपन करूँगा
ये अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे मेरे फ़ोन के साथ। अगर आपको ये गाना सुना जाए, तो जैसा इसका नाम है, ये अपने नाम को सेटिस्फाई करता है, एक्स्ट्रा बेस। तो इसके अंदर आपको बेस तो भर भर के देखने को मिलने वाला है। जैसे आपका जो वन प्लस का एक और आता है ऐसे ही वायरलेस वाले, उसके अंदर बेस थोड़ा कम है, या फिर आप ये कह सकते हो उसके अंदर मीडियम लेवल बेस है और वो बैलेंस है पूरा ईयरफोन पर। लेकिन यहाँ पर जो ये वाला जो वायरलेस है हमारे पास, इसके अंदर एक्स्ट्रा बेस है, तो यहाँ पर आपको बेस जो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। और दो तीन चीज़ें इसके और उसके अंदर बहुत फर्क है, पर अभी हम कंपैरिजन वीडियो कर नहीं रहे। तो अगर हम इसके साउंड क्वालिटी और बेस की बात करें, तो दोनों ही चीज़ आपको टॉप नॉच देखने को मिलती है। ना ही आपको बेस में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ना ही इसकी साउंड क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। अगर बात करें इसके माइक की, कि इसमें से माइक यानी जब आप कॉल करते हो तब कैसी आवाज़ आती है, तो वो आपको हम सुना सकते हैं। तो जैसे कि अब जो आप आवाज़ मेरी सुन रहे हो, ये आप इस ब्लूटूथ के उससे सुन रहे हो, यानी वन प्लस के बुलेट जी से सुन रहे हो। तो आपको क्वालिटी में दिख रहा होगा कितनी अच्छी क्वालिटी है इसकी। अगर हम बात करें नॉइस की, तो मेरे आसपास थोड़ा बहुत शोर है, बट स्टिल वो आपको बहुत कम सुनाई दे रहा होगा, या तो सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो ये हो गई इसकी माइक की क्वालिटी, यानी जब आप किसी दूसरे बंदे से बात करोगे तो उसको किस तरीके से सुनाई देगा, आपको थोड़ा बहुत यहाँ से अंदाजा लग गया होगा। तो आप वापस शिफ्ट कर जाते हैं अपने माइक के ऊपर। अगर आप में से कोई भी हमारे गिवअवे में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो नीचे कमेंट में लिख सकता है आपको इसका कौन सा फीचर पसंद आया। और अगर हमारी इस वीडियो पे 500 लाइक, 500 कमेंट और 500 हमारे फॉलोवर कंप्लीट हो जाते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, तो हम इसका गिव अवे कर देंगे। और इंस्टाग्राम पे लाइव गिव अवे होगा, आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं और वहां पर इसका लाइव गिव अवे हम करने वाले हैं। और अगर मुझे कुछ बस दो तीन शब्दों में बोलना हो कि क्या आपको इसे परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरी तरफ से होगा हाँ, आपको इसे बिल्कुल परचेज करना चाहिए। ये वर्थ इट है आपकी मनी के लिए। जितने आप यहाँ पैसे दे रहे हो, उतने आपको यहाँ पर क्वालिटी भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो दैट्स इट गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो वन प्लस के वायरलेस बुलेट जी के ऊपर। तो अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।